हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा क्लास 12 केमिस्ट्री। क्लास 12 केमिस्ट्री के अंदर जो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज सॉल्यूशन फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री। अब देखिए बेटा, सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहली चीज आपको मैं बता दूं, सॉल्यूशन के अंदर टोटल हमारे पास पांच कॉन्सेप्ट्स हैं। पांच कॉन्सेप्ट्स में हम सॉल्यूशन को कंप्लीट करेंगे। देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, जो पहला कंसेप्ट हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का, वो आपका 11th क्लास का सेम कंसेप्ट है जो आपने 11th में पढ़ा था। 11th में क्या पढ़ा था बेटा हमने, सबसे पहली चीज आती थी 11th के अंदर फर्स्ट चैप्टर में सम कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स का पूरा रिपीट है, यानी जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है सेम अब आप 12th क्लास में रिपीट करेंगे। कौन कौन सी टर्म्स थी? मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, पार्ट्स पर मिलियन। आज कंसेप्ट वन के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है बेटा सबको? सो कंसेप्ट वन सम कंसंट्रेशन टर्म्स है, बट उसके बाद कंसेप्ट टू जब हम स्टार्ट करेंगे तो कंसेप्ट टू में हम पढ़ेंगे बेटा राउल्ट्स लॉ एंड सॉलिबिलिटी। राउल्ट्स लॉ एंड सॉलिबिलिटी, जिसके अंदर हमारा एक इंपॉर्टेंट लॉ आता है दैट इज कॉल्ड हेनरीज लॉ। फिर कंसेप्ट थ्री, इस चैप्टर का जो कंसेप्ट थ्री है, टोटल फाइव कंसेप्ट में चैप्टर डिवाइडेड है बेटा। कंसेप्ट थ्री इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जैसे आपने 11th क्लास में आइडियल नॉन आइडियल गैसेस के बारे में पढ़ा था, रियल गैसेस जो स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर आता था, वैसे ही आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सॉरी गैसेस लिख दिया मैंने, सॉल्यूशन हम कंसेप्ट थ्री में पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो रहा बेटा? देन वी हैव कंसेप्ट फोर। कंसेप्ट फोर के अंदर हमें पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और लास्ट कंसेप्ट जो इस चैप्टर का है दैट इज कंसेप्ट फाइव, एबनॉर्मल मोलर मास। तो टोटल पांच कंसेप्ट है बेटा इस चैप्टर के अंदर जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। एबनॉर्मल मोलर मास दैट इज द लास्ट कंसेप्ट। पहला वाला कांसेप्ट मैंने अभी आपको बताया जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सम कंसंट्रेशन टर्म्स। कांसेप्ट 2 जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, राउल्ट्स लॉ और सॉलिबिलिटी। कांसेप्ट 3 जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और कांसेप्ट 4 जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एंड द फिफ्थ कांसेप्ट इज एबनॉर्मल मोलर मास। ये क्लियर है बेटा सबको? सो वी आर स्टार्टिंग विद कांसेप्ट 1। कांसेप्ट 1 हमारा क्या है बेटा? सम कंसंट्रेशन टर्म्स। ये क्लियर है? जल्दी से इसे नोट कर ले बेटा। ये पांच कांसेप्ट्स हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद कंसेप्ट वन। कंसेप्ट वन जिसकी मैंने अभी बात करी बेटा क्या था? सम कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स को स्टार्ट करने से पहले सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन कैसे कहते हैं बेटा? सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करा जाता है? सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कॉम्पोनेट्स। टू और मोर देन टू कॉम्पोनेट्स, कैसा मिक्सचर है बेटा? होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर सबको पता होगा। होमोजीनियस मिक्सचर किसे हम क्या कहते हैं बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर वेयर देयर इज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। कैसी कॉम्पोजिशन होती है बेटा? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, बराबरी का बंटवारा कहा जाता है इसे। ये क्लियर हो रहा बेटा? यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये समझ में आया? तो जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है। इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्लियर है? अच्छा, सॉल्यूशन के अंदर जब कंपोनेंट्स की बात करी जाती है तो अलग अलग कंपोनेंट्स को मिला के सॉल्यूशन बनाया जाता है। सॉल्यूशंस को ऐसे तीन तरीके से क्लासिफाई करा जाता है। वो तीन तरीके कौन कौन से बेटा? बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, एंड फोर्थ इज क्वार्टनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन दैट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। बाइनरी सॉल्यूशन कितने कंपोनेंट्स से बनता है बेटा? टू कंपोनेंट्स। टर्नरी सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। टर्नरी सॉल्यूशन की अगर बात करें तो दो से ज्यादा कंपोनेंट्स आ गए, यानी तीन कंपोनेंट्स। क्वार्टनरी भी दो से ज्यादा का एक सॉल्यूशन है, दैट मींस यहां पर फाइनली कितने कंपोनेंट्स होते हैं? फोर कंपोनेंट्स। तो तीन तरीके से हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं, बाइनरी, टर्नरी, क्वार्टनरी। अब देखो बेटा, सीबीएसई की अगर हम बात करें तो सीबीएसई के अंदर टर्नरी और क्वार्टनरी सॉल्यूशंस को मैं डिस्कस नहीं करना।
हमें जो डिटेल में पढ़ना है दैट इज बाइनरी सॉल्यूशंस, बाइनरी सॉल्यूशंस जो किससे कितने कंपोनेंट से बना हुआ है बेटा, ओनली टू कंपोनेंट्स। अब वो टू कंपोनेंट्स कौन से, ये भी आप सबको पता, नाइन्थ क्लास में आपने इसके बारे में पढ़ रखा है, इलेवेंथ में भी पढ़ा था। वो दो कंपोनेंट्स कौन कौन से बेटा, वन इज सॉल्यूट एंड अदर इज सॉल्वेंट। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बड़ा सिंपल है, देयर इज अमाउंट मेथड, अमाउंट मेथड में हम कहते हैं जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है दैट इज सॉल्यूट, जो एक्सेस में प्रेजेंट है दैट इज सॉल्वेंट। क्लियर, हर बार ये कहना भी सही नहीं है। एक और मेथड होता है दैट इज कॉल्ड फेज मेथड, फेज मेथड से भी डिफाइन करा जा सकता है कि कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट है। बट इन जनरल अगर मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो हम कैसे डिफाइन करते हैं सॉल्यूट को, हम कहते हैं बेटा द सब्सटेंस विच इज डिसॉल्वड इन द सॉल्वेंट, विच इज डिसॉल्वड इन द सॉल्वेंट, जिसको हम सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कराते हैं दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या है, द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्वड, द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्वड, सॉल्यूट इज डिसॉल्वड। मैंने दो मेथड्स बोले, एक अमाउंट मेथड था जो आपने नाइन्थ क्लास से पढ़ा हुआ है, दूसरा है फेज मेथड। अब ये फेज मेथड क्या है, फेज मेथड से हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो देखो बेटा इन फेज मेथड अगर आप दो कंपोनेंट्स को मिक्स कर रहे हैं ए एंड बी एंड यू आर फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन, तो फेज मेथड से कैसे आइडेंटिफाई करा जाता है विच इज सॉल्यूट एंड विच इज सॉल्वेंट। फेज मेथड की जब हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन का फेज डिसाइड करता है कि सॉल्वेंट क्या होगा, ये क्लियर हो रहा है, सॉल्यूशन का फेज डिसाइड करेगा कि सॉल्वेंट क्या होगा। जैसे आपने कहा ए आपके पास क्या है बेटा, सॉलिड, बी आपके पास क्या है, लिक्विड, और जो फाइनल सॉल्यूशन बना इफ इट इज लिक्विड दैट कंफर्म्स कि बी क्या है, सॉल्वेंट, और ए क्या है बेटा, ए इज सॉल्यूट। ये क्लियर हो रहा है बेटा। सिमिलरली सेकंड केस क्या हो सकता है इसका, सेकंड केस इज आपने ए और बी को मिक्स करा, फिर से एक सॉल्यूशन बना, क्लियर, फिर से सेम की सेम कंडीशन देखने को मिल रही है हमें, ए इज सॉलिड बी इज लिक्विड, और अब जो सॉल्यूशन बन रहा है दैट इज इन सॉलिड फेज। ये और इंपॉर्टेंट चीज है जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर एक सिंगल फेज होता है, सिंगल फेज आइदर सॉलिड और लिक्विड और गैस, ये क्लियर है बेटा। सो अब क्योंकि सॉल्यूशन सॉलिड है तो सॉल्वेंट कौन हो जाएगा, ए, और सॉल्यूट कौन हो जाएगा, बी। दिस इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड फेज मेथड, फेज मेथड टू फाइंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। चलो इसी केस के अंदर इसका ज्यादा यूज नहीं होता, तो सिंपली आप जिस सब्सटेंस को डिसॉल्व करा रहे हो उसे सॉल्यूट कहते हो, जिसमें डिसॉल्व करा रहे हो उसे सॉल्वेंट कहते हो। ये क्लियर है बेटा सबको। सो अभी मैंने सॉल्यूशन की बात करी, तीन तरह के सॉल्यूशंस आपको बताए मैंने, बाइनरी, टर्नरी, क्वार्टनरी। बाइनरी सॉल्यूशन कितने कंपोनेंट से बना बेटा, दो कंपोनेंट से, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। टर्नरी और क्वार्टनरी हमारे सिलेबस में अभी नहीं। फेज मेथड से हमने ये फाइंड करा कि कैसे ये फाइंड करा जा सकता है कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट, फेज मेथड। यहां तक क्लियर, जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा, फिर स्टार्ट कर रहे हैं अपना कंसेप्ट वन। चलो बच्चों फिर अब स्टार्ट करने जा रहे हैं कंसेप्ट वन, जो मैंने अभी आपसे बोला सम कंसंट्रेशन टर्म्स, सम कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कितनी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, एक बार इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। कंसंट्रेशन टर्म्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोलैरिटी, मोलैरिटी जिसे हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म इज मोलैलिटी, दूसरी कंसंट्रेशन टर्म है बेटा मोलैलिटी जिसे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थर्ड कंसंट्रेशन टर्म इज मोल फ्रिक्शन, मोल फ्रिक्शन जिसे काय या जीटा से रिप्रेजेंट करा जाता है बेटा, क्लियर। फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। फिफ्थ कंसंट्रेशन टर्म इज पार्ट्स पर मिलियन, जिसे पीपीएम कहते हैं बेटा, पार्ट्स पर मिलियन। एंड द लास्ट कंसंट्रेशन टर्म विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीबीएसई में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता बट आईआईटी या अगर हम बात करें नीट उसके अंदर एंट्रेंस लेवल पे इसके काफी क्वेश्चंस आपको देखने ही मिलेंगे नॉर्मैलिटी के, और प्रैक्टिकल्स में भी अगर आप देखोगे तो प्रैक्टिकल्स में टाइट्रेशन के अंदर इसका बहुत बार यूज होता है। तो ये छह कंसंट्रेशन टर्म्स है बेटा हमारे पास, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज कंपोजिशन,
parts per million and normality. चलो बेटा अब स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म को लेते हैं, मोलैरिटी को. मोलैरिटी, मोलैरिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? अभी मैंने आपको बताया कैपिटल है. सो मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करा जाता है? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये हमेशा याद रखना बेटा. जब भी आप मोलैरिटी को डिफाइन करोगे तो मोलैरिटी में आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 1 लीटर लेना है. 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज फिक्स्ड. मोलैरिटी को डिफाइन करते समय 1 लीटर सॉल्यूशन फिक्स्ड है. ये क्लियर हो रहा है? सो मोलैरिटी इज व्हाट? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. अब मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ. नंबर ऑफ मोल्स क्या होते थे? नंबर ऑफ मोल्स याद करिए बेटा, नंबर ऑफ मोल्स होता था गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. दैट मींस ये हो जाएगा 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जब आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में हो बेटा? लीटर्स में. क्लियर है? कई बार वॉल्यूम मिलीलीटर्स या सेंटीमीटर क्यूब में होता है, तो आपको पता है 1 लीटर में कितने मिलीलीटर्स है बेटा? 1000 मिलीलीटर्स और 1000 सेंटीमीटर क्यूब. इन दैट केस आप क्या लिख सकते हैं? मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन टू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होगा बेटा? व्हेन इट इज इन मिलीलीटर्स और सेंटीमीटर क्यूब. मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब. ये क्लियर हो रहा बेटा? सो दिस इज मोलैरिटी जो हमारी कैपिटल है. ये क्लियर है? अब यूनिट क्या है मोलैरिटी की? यूनिट इज मोल्स पर लीटर और मोलर, और कई बार आप इसके लिए कैपिटल एम भी यूज कर सकते हैं. ये क्लियर हो रहा है? मोल्स पर लीटर बिकॉज ऊपर मोल्स है नीचे वॉल्यूम, तो मोल्स पर लीटर और मोलर और कैपिटल एम. यहां तक क्लियर हो रहा बेटा? सेकेंड टर्म इसके बाद आती है बेटा. सेकेंड टर्म इज मोलैरिटी. ध्यान से देखेंगे दोनों टर्म्स को बेटा. मोलैरिटी, नाउ मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम. तो मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. देखो बेटा यहां पर क्या है? यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट है. और सॉल्वेंट का कितना मास है? 1 kg. That is fixed. ये याद रखना, दो चीजें मैंने बोली. मोलैरिटी में मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज फिक्स्ड 1 लीटर, क्लियर? और मोलैरिटी में मैंने क्या बोला? मास ऑफ सॉल्वेंट इज फिक्स्ड 1 kg. सो नाउ व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी आपने रिप्रेजेंट किया स्मॉल एम से. नंबर ऑफ मोल्स की जगह आपको क्या लिखना है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. जब मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें होगा बेटा? देन द मास ऑफ सॉल्वेंट इज इन केजी. द मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें होगा बेटा? केजी. क्लियर हो रहा है? द मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें होगा बेटा? केजी. अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में, अगेन आपको इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. 1 केजी मींस 1000 ग्राम. तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. जब मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें होगा बेटा? जब मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें होगा? ग्राम्स. यहां तक क्लियर हो रहा है? अच्छा अब यूनिट की भी बात कर लेते हैं. तो यूनिट में आप क्या देख रहे हो? ऊपर मोल से नीचे केजी. तो यूनिट हो गई मोल्स पर केजी. और क्या लिख सकते हैं इसे? मोलल. मोलल, मोलर ऊपर है, MOLAR, MOLAL, मोलर. क्लियर है? और स्मॉल एम भी यूज कर सकते हैं. स्मॉल, क्लियर? मोलैरिटी क्लियर है बेटा? मोलैरिटी क्लियर है. अच्छा इसी के साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो कंसेंट्रेशन टर्म्स है इसमें कुछ टर्म्स मास रिलेटेड है, कुछ वॉल्यूम रिलेटेड है. क्योंकि मास रिलेटेड क्वांटिटीज जो होती है दे आर कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होती. बट वॉल्यूम चेंज होता है. जनरली अगर बात करो तो टेम्परेचर के साथ ही चेंज होता है. तो वॉल्यूम रिलेटेड क्वांटिटी कौन सी है, मास रिलेटेड क्वांटिटी कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए. क्योंकि अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, और वॉल्यूम चेंज करने पर जो भी वॉल्यूम डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो चेंज होगी. ये क्लियर हुआ? तो देखो मोलैरिटी जो है दैट इज वॉल्यूम डिपेंडेंट. मोलैरिटी की अगर मैं बात करूं, मोलैरिटी की अगर मैं बात करूं तो दिस इज वॉल्यूम डिपेंडेंट, और वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा. क्लियर हो रहा है? मतलब आपने अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो नो डाउट वॉल्यूम बढ़ेगा. वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी कम होगी. मोलैरिटी इज मास डिपेंडेंट. मास डिपेंडेंट इसमें देखो मास, मोलर मास, मास चेंज नहीं होता.
ये क्लियर हो रहा है, टेम्परेचर चेंज करोगे मास में कोई चेंज नहीं आएगा, ये क्लियर हो रहा है प्रेशर चेंज करोगे मास में कोई चेंज नहीं आएगा, तो मास चेंज नहीं होता, मास इज कांस्टेंट क्वांटिटी, इसीलिए ये आपको पता होना चाहिए कि मास डिपेंडेंट है और ये टेम्परेचर और प्रेशर के साथ चेंज नहीं होगा, सेम मोल फ्रैक्शन, इट इज मास डिपेंडेंट, बट यहां पर नॉर्मैलिटी, फिर से यहां पर वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम डिपेंडेंट यानी वॉल्यूम मींस टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी ये दो टर्म्स ऐसी हैं बेटा जो टेम्परेचर के साथ चेंज होंगी, ये क्लियर हो रहा है, यहां तक कोई डाउट, चलो वेरी गुड बेटा, यहां पर नोट कर लेंगे सब। चलो बच्चों अभी आपने दो टर्म्स नोट करी, मोलैरिटी मोलैलिटी, अब नेक्स्ट टर्म मोल फ्रैक्शन को भी देख लेते हैं जल्दी से, मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, फ्रैक्शन इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल इन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, जैसे बड़े सिंपल सी बात कर लेते हैं, अगर मैं इस बोर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, लेफ्ट हैंड साइड ए राइट हैंड साइड बी, तो ए का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, 1/2, क्यों, क्योंकि टोटल पार्ट्स कितने हैं दो और उसमें ए का कितना हिस्सा है एक, सिमिलरली बी का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है 1/2, दिस इज क्लियर, सो फ्रैक्शन क्या है बेटा, इट इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल इन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, सो अब मैं आपसे कह रहा हूं मेरे पास दो कॉम्पोनेंट्स हैं, दो कॉम्पोनेंट्स कौन से होते हैं, ए एंड बी, ए क्या होता है सोल्यूट ले लो, बी को क्या ले लिया सॉल्वेंट, ए इज सोल्यूट बी इज सॉल्वेंट, ये क्लियर है, इन दैट केस व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स में ए के जो मोल्स हैं दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी टोटल मोल्स में ए का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, सिमिलरली व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, टोटल मोल्स में बी के जो नंबर ऑफ मोल्स है दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये क्लियर हो गया, नाउ व्हाट इज द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, फ्रैक्शन का सम हमेशा वन होता है, आप चेक कर सकते हैं दोनों को ऐड भी करेंगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर तो सेम है और न्यूमरेटर भी सेम हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ये क्लियर है, नाउ व्हाट इज द यूनिट, मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होगी, फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं है, क्लियर, सो इट हैज नो यूनिट, मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा वन होता है और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, ये तीनों टर्म्स क्लियर हो गए बेटा, अभी हमने पहले डिस्कस करा था मोलैरिटी मोलैलिटी और थर्ड इज मोल फ्रैक्शन, अब चलो इस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं बेटा, ठीक है, ताकि ये टर्म्स अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, क्वेश्चंस में कैसे इन टर्म्स को यूज करना है ये भी क्लियर हो जाए, ठीक है, तब स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है वो क्या है, देखो क्वेश्चन में बोला है अ 10 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल ऑफ ह्यूमन यूरिन, कितने सेंटीमीटर क्यूब का सैंपल है, 10 सेंटीमीटर क्यूब का सैंपल है ह्यूमन यूरिन का, वॉज फाउंड टू हैव 5 मिलीग्राम ऑफ यूरिया, कितना यूरिया इसके अंदर 5 मिलीग्राम ऑफ यूरिया, क्लियर है, 10 सेंटीमीटर क्यूब का सैंपल है 5 मिलीग्राम यूरिया है, एनालिसिस पे पता चला, कह रहे हैं कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ गिवन सैंपल विद रिस्पेक्ट टू द यूरिया, आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है इस सैंपल की यूरिया के रिस्पेक्ट में, क्वेश्चन क्लियर है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या दे रखा है आपको, यूरिया का मास दे रखा है और सैंपल कितना है 10 सेंटीमीटर क्यूब है यह भी दे रखा है, ध्यान से देख लेंगे बेटा क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, 10 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द सैंपल, 5 मिलीग्राम इज द मास ऑफ यूरिया, अच्छा मोलर मास यूरिया का जिसको नहीं पता यूरिया का पहले फॉर्मुला लिख लेंगे, यूरिया का फॉर्मुला होता है NH2CONH2, क्लियर, अब देखें बेटा क्वेश्चन क्या गिवन है, मास ऑफ यूरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या बेटा कि जो यूनिट है मास की यूनिट अकॉर्डिंग टू मोलर मास हम ग्राम पर मोल लेके चलते हैं, तो इसीलिए जब भी आपको गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मिलीग्राम में हो या केजी में हो तो आपको उसको ध्यान रखना है कि आप उसे ग्राम में कन्वर्ट कर लें या मोलर मास को उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लें, सो अभी मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं, 5 मिलीग्राम का मतलब 5 × 10⁻³ ग्राम, ये क्लियर हो गया बेटा, दैट इज द मास ऑफ यूरिया, अब मोलर मास की बात आ गई, फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, मोलर मास ऑफ यूरिया, मोलर मास ऑफ यूरिया NH2CONH2, तो नाइट्रोजन तो है 14 × 2 = 28, हाइड्रोजन 4, कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 1 है 16, तो 16 प्लस 12 28, 28 प्लस 28 56 प्लस 4 कितना हो गया बेटा 60, ये क्लियर है बेटा सबको, यहां तक क्लियर है, सो मास आपको मिल गया, मोलर मास आपको मिल गया, वॉल्यूम ऑफ सैंपल, सैंपल कितना था 10 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम भी आपके पास है, सो फाइनली मोलैरिटी क्या हो जाएगी बेटा, मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता था, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 1000 क्यों लिखा है, 1000 क्यों लिखा है बेटा,
बिकॉज वॉल्यूम किस में? सेंटीमीटर क्यूब में. अगर लीटर में होता तो 1/ लिखते. ये क्लियर हो रहा है ना? व्हाट इज द यूनिट? मोल्स पर लीटर. अब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है वैसे. यहां पर तो 5 × 10⁻³, 10⁻³ से 1000, और 1 by 120. ये क्लियर हो रहा है? जो फाइनल आंसर आ रहा है हमारे पास, 5 से 60 कैंसिल करा, ये 12 हो गया. 12 × 10 = 120. सो आप जब इसे फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर यहां पर आ रहा है 0.008 मोल्स पर लीटर. यहां तक क्लियर है बेटा? ध्यान से देख लें क्वेश्चन को. मास गिवन था, मोलर मास गिवन था, वॉल्यूम गिवन था, मोलैरिटी मैटर पुट करा, क्वेश्चन खत्म. चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है सॉल्यूशन कंटेनिंग 410.3 ग्राम ऑफ H2SO4. ध्यान से देखना बेटा क्या गिवन है. सॉल्यूशन कंटेनिंग 410.3 ग्राम ऑफ H2SO4 पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. देखिए ध्यान से, वॉल्यूम भी दे रखा है. वॉल्यूम इज 1 लीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस. इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.243 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट शैल बी इट्स मोलैरिटी एंड मोलैलिटी. ये क्लियर हो रहा है? अब आपको क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, पहले देख लेंगे ध्यान से बेटा. सबसे पहले सॉल्यूशन में मास ऑफ H2SO4 गिवन है. H2SO4 का मास कितना है बेटा? 410.3 ग्राम. ये क्लियर है? क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमें. नेक्स्ट इज मोलर मास ऑफ H2SO4. मोलर मास H2SO4 का मोलर मास कितना होता है बेटा? 2 + 32 + 64. हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 16 × 4 = 64. That is 98 ग्राम पर मोल. सो हमारे पास मास है H2SO4 का, मोलर मास है H2SO4 का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा? 1 लीटर. क्लियर है? अब हमारे पास मास है, मोलर मास है, वॉल्यूम है, इससे हम मोलैरिटी तो निकाल सकते हैं. बट दूसरी चीज क्या है बेटा? मोलैरिटी. मोलैरिटी के लिए आपको याद होगा, मोलैरिटी के लिए हमें क्या चाहिए होता है बेटा? मोलैरिटी के लिए हमें चाहिए होता है मास ऑफ सॉल्वेंट. मोलैरिटी के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट का मास कैसे फाइंड करा जाए? देखो बेटा क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैं क्या कह रहा हूं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. ध्यान से आप देखें तो डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से आप किसका मास निकाल सकते हो? आप सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हो. क्यों? क्योंकि आपको वॉल्यूम गिवन है. अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.243 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपको गिवन है. डेंसिटी होता क्या है बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम. तो आपको वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, क्या निकल जाएगा बेटा यहां से? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डी इंटू वी. 1.243 × 1 लीटर. 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं बेटा? यहां ध्यान से देखो, 1000. ये हमारा मास आ गया, दैट इज 1.243 ग्राम. अब सॉल्यूशन का मास आ गया, सॉल्यूट का मास आपको पहले से पता है, क्लियर है? तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या फॉर्म कर देता है बेटा? सॉल्यूशन. सॉल्यूट का मास कितना है बेटा? 410.3. सॉल्वेंट का मास हमें फाइंड करना है मोलैरिटी के लिए. सॉल्यूशन का मास कितना है बेटा? 1.243 ग्राम. तो यहां से फाइनली सॉल्वेंट का मास आपको मिल जाएगा. मास ऑफ सॉल्वेंट इज, सॉल्वेंट का मास कितना आ गया बेटा? 1.243 − 410.3 ग्राम. क्लियर? ये हो जाएगा 0.73 − 1 × 2 = 3 and 8, 832.7 ग्राम. ये क्लियर है बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट भी आपको मिल चुका है, यानी आपके पास अब सारी टर्म्स हैं जो आपको चाहिए दो चीजें निकालने के लिए, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी. स्टार्ट करेंगे मोलैरिटी में. सबसे पहले मोलैरिटी क्या होता है? कैपिटल एम. कैपिटल एम इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1/ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो वॉल्यूम लीटर्स में है तो 1/1. क्लियर हो गया? मोल्स पर लीटर. इसे आप सॉल्व करेंगे जो फाइनल आंसर आपका आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 5th है हमारा ये असाइनमेंट शीट का. This is 4.18 molar. ये क्लियर है बेटा? मोलैलिटी की अगर हम बात करें, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 / मास ऑफ सॉल्वेंट. 1000 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो ग्राम में है बेटा. 832.7 मोल्स पर केजी.
क्लियर? तो अभी से अगर आप सॉल्व करेंगे फाइनली जो इसका आंसर मिल रहा है दैट इज 5.028 दिस इज आवर मोलैलिटी। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या देखी बेटा कि डेंसिटी को आपको कैसे यूज करना है। डेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर हो रहा है? डेंसिटी जब भी क्वेश्चन में गिवन होगा या तो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा या आपको मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मोलैलिटी के लिए नीडेड है, मास ऑफ सॉल्यूशन से मास ऑफ सॉल्वेंट निकलेगा, यानी ये मोलैलिटी के लिए नीडेड है। क्लियर है बेटा? जल्दी से इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेंगे बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा देखेंगे ध्यान से। असाइनमेंट शीट का हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूं, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला अभी आपको बताया गया था बेटा कितना होता है, NH2CO NH2 required in making 2.5 kg of 0.25 molal aqueous solution। ध्यान से देखना बेटा क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर बहुत सारी सिली मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है हमें क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कंसंट्रेशन टर्म्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं या सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे बेटा उनमें आपको लैंग्वेज को बड़े ध्यान से समझना होता है। ठीक है, फॉर्मुला कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको बाहर से देखने को मिले, आप सोचे कोई अलग से फॉर्मुला यूज हो रहा है, ऐसा कोई भी फॉर्मुला नहीं मिलेगा। बट इसकी लैंग्वेज अगर आपको क्लियर है तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। अगर लैंग्वेज क्लियर नहीं हो रही इन दैट केस फिर आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन में बोला है हमें क्या निकालना है बेटा, हमें यूरिया का मास निकालना है। ठीक है, और किस में डाला गया यूरिया को, यूरिया को किसी भी एक सॉल्वेंट में डाला गया वो मेंशन नहीं है। बट जो सॉल्यूशन बन रहा है उसकी मोलैलिटी 0.25 है, ये क्लियर हो रहा है? अब यहां पर देखो ध्यान से, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 molal सॉल्यूशन। 2.5 kg ऑफ 0.25 molal सॉल्यूशन मतलब 2.5 kg। ज्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं, 2.5 kg को मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर और इसी वजह से उनका आंसर गलत होता है। ये क्लियर हो रहा है? इसका आंसर अभी अगर मैं आपसे बोलूं इसका आंसर है 36.9। इसका आंसर भी मैं आपको पहले बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं ध्यान से देखो, इसका आंसर है 36.9। और अगर इसमें बच्चे सॉल्वेंट का मास 2.5 kg ले लेंगे तो जो आंसर आता है वो है 37.5। और होता क्या है क्योंकि वैल्यू बहुत क्लोज है तो उनको लगता है कि यार कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा डेसिमल प्लेसेस की वजह से आंसर वेरी कर सकता है। क्लियर? बल्कि अगर आपका 37.5 ग्राम आंसर आ रहा है तो गलत है, याद रखना करेक्ट आंसर इज 36.9। अब ध्यान से समझो क्यों क्यों गलती हुई, क्योंकि आपने 2.5 kg मास ऑफ सॉल्वेंट लिया। ये किसका मास है? ये सॉल्यूशन का मास है। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। पहली गलती मैंने आपको बता दी, बहुत बड़ी गलती है, गलती नहीं पूरा क्वेश्चन ही गलत है फिर। ये क्लियर हो रहा है बेटा? तो दो मेथड्स हैं इसको करने के लिए। सबसे पहले आप देखें क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है आपको। आपने सबसे पहले स्टार्ट करा जी मुझे मोलैलिटी गिवन है, मोलैलिटी होती क्या थी बेटा, मोलैलिटी की डेफिनेशन पे जाओ। 0.25 मोलल सॉल्यूशन, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर 0.25 लिखा हुआ है मोलल, दैट मींस 0.25 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है ये भी मेंशन कर देता हूं, यूरिया इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? वाटर, एक्वस बोला है ना, एक्वस मतलब वाटर। तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg मींस 1000 ग्राम ऑफ वाटर। सो देखो बेटा यहां पे दो चीजें आपको पता चल गई, क्या क्या पता चल गया कि यूरिया के मोल्स कितने, यूरिया के मोल्स कितने हैं 0.25, ये क्लियर हुआ। और वाटर कितना है? 1000 ग्राम। अब यूरिया के मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो कितने मोल्स है यूरिया के बेटा? 0.25। मास कितना है नहीं पता हमें, मास ही तो फाइंड करना है, गिवन मास। और मोलर मास, मोलर मास कितना है? 60। हमने पहले भी कैलकुलेट करा था, फॉर्मूले से आप दोबारा कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो गिवन मास
ऑफ यूरिया कितना आ गया, गिवन मास ऑफ यूरिया 0.25 × 60, 0.25 यानी 1/4 of 60, 15 ग्राम। ये क्लियर है बेटा, यूरिया का मास है 15 ग्राम, वाटर कितना है 1000 ग्राम, तो सॉल्यूशन कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा, सॉल्यूशन हो जाएगा 1000 + 15, 1015 ग्राम। अब देखो बेटा, अगर आपके पास 1015 ग्राम का सॉल्यूशन है तो उसमें 15 ग्राम यूरिया है। थोड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है, 1015 ग्राम का अगर मेरे पास सॉल्यूशन है तो उसमें कितना यूरिया है, 15 ग्राम यूरिया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। ओके, तो 1 ग्राम का सॉल्यूशन होगा तो 1 ग्राम का सॉल्यूशन होगा तो 15/1015 हो जाएगा, इतना यूरिया हो जाएगा। तो 2.5 केजी का सॉल्यूशन है तो 2.5 केजी यानी कितना हो गया 2500 ग्राम, ग्राम में रखना है तो सबको, केजी में भी कर सकते हैं वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा 15/1015 / 2500 सॉल्व करेंगे, फाइनल आंसर आपको मिलेगा 36.9। ये क्लियर है बेटा, दिस इज द फर्स्ट मेथड टू डू दिस क्वेश्चन। ये क्लियर हो गया बेटा, ध्यान से देखिए, मैंने कुछ नहीं करा क्वेश्चन के अंदर, मैंने बड़े बेसिक से स्टार्ट करा, मैंने कहा मोलैलिटी कितनी है 0.25, मोलैलिटी होती क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, कितने मोल्स थे 0.25 यानी 0.25 मोल्स है, किसमें 1 kg सॉल्वेंट में। ये क्लियर है, 0.25 मोल्स है किसके, यूरिया के 1 kg वाटर में, यूरिया के मोल्स मिल गए, यूरिया के मोल्स मिल गए, यूरिया के मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो कितना मास आ गया यूरिया का 0.25 × 60। ये क्लियर है, अब यूरिया का मास मिल गया और सॉल्वेंट का मास आपके पास पहले से, तो आपने दोनों को ऐड कर दिया, सॉल्यूशन का मास आ गया 1000 + 15, 1000 वाटर प्लस 15 ग्राम यूरिया, तो कितना हो गया सॉल्यूशन 1015 ग्राम में कितना यूरिया 15 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना होगा 15/1015। ये क्लियर, तो 2500 ग्राम का सॉल्यूशन होता तो कितना होता, बिकॉज 2.5 kg, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, ये मास ऑफ सॉल्यूशन है। ये क्लियर है बेटा, तो 15/1015 × 2500, ये क्लियर है बेटा सबको, वेरी गुड, जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं सेकंड टाइप बताता हूं, उसके बाद बड़ा सिंपल सा टाइप है सेकंड। ओके देखिए बेटा, आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे इसमें, आप मान लेते हैं लेट द मास ऑफ यूरिया बी एक्स ग्राम। ये क्लियर, फिर मोलर मास आपको पता ही है, मोलर मास ऑफ यूरिया आपको पता ही है कितना होता बेटा, मोलर मास ऑफ यूरिया हो जाता आपका 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, फिर मास ऑफ सॉल्वेंट जो मोलैलिटी में हमें चाहिए होता है वो कितना होता, सॉल्यूशन कितना है 2.5 kg, कितने ग्राम हो गया 2500, ग्राम में रखना है क्योंकि यूरिया का मास भी ग्राम में, फिर ये बहुत बड़ी गलती होगी अगर आपने इसे केजी में लिखा तो, क्यों, क्योंकि आप केजी में से ग्राम को सबट्रैक्ट करोगे जो कि सेम यूनिट्स नहीं है, सेम यूनिट्स में रखना है इसे, 2500 − x ग्राम, 2.5 नहीं रखना है यहां पे। ये क्लियर है, सो मास ऑफ यूरिया है, मोलर मास ऑफ यूरिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट में x फाइंड करना है, ठीक है, और मोलैलिटी गिवन है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.25। क्लियर, सो मोलैलिटी के फॉर्मूले में जाएंगे, मोलैलिटी की जगह 0.25 पुट करा, x 60 × 1000 / 2500 − x, क्योंकि मास सॉल्वेंट का भी ग्राम में था तो 1000 / 2500 − x, x को सॉल्व करें, मैंने आंसर आपको पहले बता दिया, आंसर इज 36.9 ग्राम। क्लियर है बेटा, दिस इज द मास ऑफ यूरिया, 37.5 मैं पहले बता चुका हूं, गलत आंसर है, प्लीज इसे नोट कर लें, फिर हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखो, सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा, ये वैसे अगर आप 12th क्लास में इंटेक्स्ट की बात करें तो इंटेक्स 2.4 है आपकी एनसीईआरटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन असाइनमेंट शीट का 7th क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मोलैलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हमें मोलैलिटी फाइंड करनी है सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन की, इन विच
mole fraction in which mole fraction of water is 0.85. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें मोलालिटी फाइंड करनी है. इसका जो आंसर है दैट इज 9.8. ठीक है बेटा, चलिए आंसर देखेंगे क्वेश्चन को. क्या फाइंड करना है, मोलालिटी क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, मोल फ्रैक्शन. सो अब हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, नहीं सॉरी मोलालिटी फाइंड करनी है, मोल फ्रैक्शन तो गिवन है. किसका मोल फ्रैक्शन गिवन है, वाटर का मोल फ्रैक्शन गिवन है. वाटर का मोल फ्रैक्शन है 0.85. क्लियर. सल्फ्यूरिक एसिड के मोल फ्रैक्शन कितने हो जाएंगे बेटा, आपको पता है सम 1 होता है, आपको पता है सम कितना होगा 1, मोल फ्रैक्शन का सम 1 है. क्लियर, तो आपने क्या लिख दिया 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो 1 माइनस 0.15, यहां से आपको मोल फ्रैक्शन मिल गया सल्फ्यूरिक एसिड का. बट आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड तो मोलालिटी करनी है. मोलालिटी क्या होती है बेटा, मोलालिटी की बेसिक डेफिनेशन जो भी मैंने थोड़ी देर पहले से पहले वाले क्वेश्चन में भी आपसे डिस्कस करा था, मोलालिटी होती थी, मोलालिटी इज, डिफाइन करिए मोलालिटी को, मोलालिटी की डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट. सल्यूट क्या है यहां पर, H2SO4 इन 1 kg ऑफ वाटर. मुझे क्या निकालना है, मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए. किसके नंबर ऑफ मोल्स चाहिए मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए अब H2SO4 के 1 kg पानी में. एक केजी पानी का मतलब कितने ग्राम हो गया बेटा, 1000 ग्राम. ये क्लियर हो रहा है. सो मास ऑफ वाटर कितना है बेटा, मास ऑफ वाटर इज 1000 ग्राम. ये तो पता चल गया ना, मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, ये तो सबको पता है, 18. मोलर मास ऑफ वाटर 18. ये क्लियर है बेटा, मोलर मास ऑफ वाटर इज 18. नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे बेटा, मास अपॉन मोलर मास, तो 1000 / 18 यानी कितना हो गया 55.5. इसे भूलना मत कभी भी, जब भी 1 kg पानी होगा, जब भी 1 kg पानी होगा तो कितने मोल्स होंगे, 55.55. इसे भूलना नहीं है कभी भी बेटा, क्लियर है. जब भी 1 kg पानी होगा वाटर के कितने मोल्स होंगे, 55.55. अब देखो बेटा, मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे H2SO4 के, किसमें निकालने थे, 1 kg वाटर में. आप H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स निकालो 1 kg वाटर में या 1000 ग्राम वाटर में या 55.55 मोल्स वाटर में, बात तो सेम है, क्योंकि 1 kg का मतलब कितने ग्राम होता है, 1000. कितने मोल्स होते हैं, 55.55. ये क्लियर हो रहा है, यानी आप को सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स चाहिए H2SO4 के 1 kg वाटर में. 1 kg को आप 1000 ग्राम भी लिख सकते हो, 1 kg वाटर की जगह आप 55.55 मोल्स ऑफ वाटर भी लिख सकते हो. तो इधर आ जाओ, आपको किसके मोल्स मिल गए बेटा, वाटर के. मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. आपने क्या करा, आपने मोल फ्रैक्शन पुट कर दिया, वाटर का कितना मोल फ्रैक्शन था, 0.85. वाटर के कितने मोल्स हैं, 55.55. किसके नंबर ऑफ मोल्स चाहिए आपको, H2SO4 के. वाटर के तो पता है 55.55, किसके मोल्स निकल जाएंगे बेटा, H2SO4 के मोल्स निकल जाएंगे. क्लियर है, सिंपल है, क्लियर. बेसिक चीज आपको नहीं भूलनी बस, क्लियर. मोलालिटी में हमेशा सॉल्वेंट फिक्स होता है 1 kg. ठीक है, वाटर था तो वाटर 1 kg. प्लीज नोट करें बेटा जल्दी से. Hi guys, this was the first part of Concept 1 of Chemistry. Please stay tuned and हमारा second part भी आने वाला है बहुत ही जल्दी. सबसे पहले आप इसको complete कर लें, इसके सारे notes बना लें and then go on to watch the second part for the Concept 1 of Chemistry. Thank you.